हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह शनिवार को शहीद किसानों की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे, जो 23 अगस्त 1985 को पुलिस गोलीकांड में शहीद हो गए थे। प्रतिमाओं का अनावरण करने के बाद सांसद धर्मवीर ने किसानों और लोगों को संबोधित किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर चिंतित है और उनका प्रयास है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जा सके। सांसद ने यह भरोसा दिया कि वो प्रदेश सरकार से बात करके किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। और आपको बता दें कि 23 अगस्त 1985 को किसान संघर्ष समिति के बैनर तले खादमा गांव में आंदोलन किया था, जिसमें पुलिस की फायरिंग से 5 किसानों की मौत हो गई थी। किसान की समस्या भविष्य में क्या क्या है, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि किसान आज गंभीर अवस्था में है। इसलिए हमारे प्रधान रविंदर सिंह सांगवान, जिनका बड़ा भारी एक्सपीरियंस रहा इस मामले में, मैं बधाई देता हूं इस संघर्ष समिति को जो इस आवाज को उठाते हैं, और प्रदेश और केंद्र की सरकार के पास भी हम इन सारी बातों को रखेंगे ताकि किसान की आमदनी, जैसा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दुगुनी कैसे हो 2022 तक, उसमें क्या सहायता हो सकती है। इसलिए हम ये शहीदों को नमन भी करने आए थे और इस पंचायत में शामिल हुए।